स्टूडेंट्स वी आर लाइव नाउ, वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लास। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद एक्सरसाइज नंबर 4.6। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स और डिविजन्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स के थ्रू हम सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। अब लॉन्ग डिविजन मेथड्स अप्लाई करना है, ठीक है। डिविजन्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स के थ्रू फाइंड कर चुके हैं और लॉन्ग डिविजन मेथड HCF बाई लॉन्ग VISIUN लॉन्ग डिविजन मेथड। ओके, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड्स में क्या करते हैं बेटा, बहुत छोटा सा पार्ट है। ई का वन नंबर, जैसे क्वेश्चन हमने लिया 2 1 10 एंड 55 का लॉन्ग डिवीजन मेथड्स के थ्रू हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ एक छोटी सी बस प्रोसेस ये करते हैं, एक मिनट कैमरा सेट कर लें बेटा। ओके, सो 2 1 10 एंड 55 का हमें LCF फाइंड करना है। तो क्या करते हैं बेटा, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट इसमें होगी, स्मॉलेस्ट डिजिट एक गिवन होगी, स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी डिजिट बोल रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर एंड वन इज ग्रेटर नंबर। ओके, सो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर का ग्रेटर नंबर में डिवाइड कराएंगे 2 1 10 में। ओके, सो आई थिंक 3 times कट होगा और आंसर हो जाएगा 55 into 3, 3 5 is 15, 1 carry, 3 5 is 15 and 1 16, ओके 165। माइनस कराएंगे 10 minus 5 5, 1 carry कर चुके हैं, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर कैरी करेंगे 10 minus 4 6, 10 minus 6 4, ओके एंड 1 minus 1 0, ओके सो 45। अब देखिए ये जो रिमाइंडर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइजर में। ओके, डिवाइजर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हमारा डिवाइजर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिविडेंड में। ओके, तो 45 1 ज़ा 45। अभी जो डिवाइजर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिविडेंड में। ओके, और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। सो 55 में 45 माइनस होगा तो आंसर होगा 10। ओके, अब ये जो 10 है ये डिवाइजर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 45 क्वेश्चन में, ठीक है, सॉरी डिविडेंड में। सो 10 4 ज़ा 40, रिमाइंडर इज 5 एंड डिविडेंड इज 10, ठीक है। 10 क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा एंड 5 2 ज़ा 10, पूरा कट हो जाएगा। और लास्ट में जो डिवाइजर है, लास्ट नंबर जो नंबर पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF हमारा हो जाएगा 5। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर में डिवाइड कराएंगे, जो भी रिमाइंडर होता फाइंड होगा लास्ट में वो डिवाइजर बन जाएगा और जो डिवाइजर होगा वो डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। जिससे डिवाइड कराया था ऊपर वाले का, ये देखे डिविडेंड कन्वर्ट हो गया। फिर 45 का 55 से सॉल्यूशन किया, रिमाइंडर आया 10, अब 10 हो जाएगा डिवाइजर और 45, ये जो 45 है ये नोट हो जाएगा इधर आके। फिर 10 से दिया 5 रिमाइंडर हुआ तो 10 इधर सॉल्व किया, 2 times पूरा कट हो गया, तो HCF क्या फाइंड हुआ, 5। ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा बेटा। अब जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है 60 and 84। ओके, तो 60 का क्या कराएंगे, 84 में डिवाइड। ओके, तो 60 1 ज़ा 60, 1 times कट होगा और रिमाइंडर आ जाएगा 24। ओके,
अभी जो 24 से अब किसका डिवाइड कराएंगे, 60 का, 24 डिवाइजर में कन्वर्ट हो जाएगा और 60 डिविडेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड 24 2 ज़ 48 आ जाएगा 12। अभी 12 हो जाएगा डिवाइजर में, 24 हो जाएगा डिविडेंड, 12 2 ज़ 24, और लास्ट में आपका जो है CF है वो क्या फाइंड हो जाएगा, 12। ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन लेते हैं 3 डिजिट्स का। या एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लें क्या, चलिए जिसको प्रॉब्लम हो 4th नंबर एक और देख लेते हैं, 75 and 200। ओके, तो 75 स्मॉलर का ग्रेटर में क्या कराते हैं, डिवाइड, 75 2 ज़ 150 माइनस कराएंगे 50, और अभी जो डिवाइजर है डिवाइजर डिविडेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और 75 को इधर नोट करेंगे, लास्ट जो इधर डिवाइजर है उसको नोट करेंगे आखिरी, और 50 1 ज़ 50 फिर माइनस कराएंगे, 25 आ जाएगा, 50 नोट हो जाएगा यहाँ पे, 25 2 ज़ 50, ये वाला 50 यहाँ नोट होगा, 25 2 ज़ 50 पूरा कट होगा, लास्ट में डिवाइजर क्या है यहाँ 25, सो SCF भी लास्ट वाला डिवाइजर ही होगा 25। ठीक है, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। एक 3 डिजिट्स का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं, 91, 112, 490। ठीक है, तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लगा स्मॉलर, फिर सेकंड इज ग्रेटर एंड फिर हाईएस्ट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर का सेकंड लार्जेस्ट नंबर में क्या कराएंगे, डिवाइड कराएंगे, 91 का किसमें डिवाइड कराएंगे, डायरेक्ट 112 में। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी, 91 1 ज़ 91 हो जाएगा, माइनस कराएंगे 1 and 2 21 फाइंड होगा। अब 21 का 91 से डिवाइड कराएंगे, ठीक है, समझ में आ रही ना प्रोसेस, जिससे प्रॉब्लम हो बेटा व्हाट्सएप पे फिर से मैसेज कर देना, वैसे तो ना समझ में आए तो बेटा 2 बार 3 बार वीडियो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और फिर भी ना समझ में आए तो फिर से बता दें, मैसेज कर देना, बता देंगे, 2 से 3 बार वीडियो देखना, जिसको ना समझ में आए ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि सर आपको समझाने क्या कोशिश कर रहे थे। ठीक है, बस क्या होता है लास्ट में जो रिमाइंडर होता है भाई, ये जो रिमाइंडर ही तो आया है, ये डिवाइज़र में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो डिवाइज़र है जो लास्ट वाला जिसने डिवाइड कराया है, जिससे डिवाइड कराया वो डिविडेंड में कन्वर्ट होता चला जाएगा हर एक प्रोसेस में। ठीक है, तो 21 4 ज़ 84 एंड आंसर इज 7, रिमाइंडर इज 7 आया, तो 21 का आप डिवाइड कराएंगे और 3 टाइम्स पूरा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो SCF क्या निकल के आ जाएगा, सॉरी SCF नहीं होगा, ये जो लास्ट वाले डिवाइस, क्योंकि 3 डिजिट्स का है ना बेटा, तो अब 7 का जो लास्ट वाला डिवाइज़र उसको 490 को सॉल्व करेंगे, जो लास्ट वाला जो डिवाइज़र आया उसको 490 से सॉल्व करेंगे, 490। ओके, जो लास्ट वाला डिवाइज़र है उसको सबसे हाईएस्ट उससे सॉल्व करेंगे, 7 2 7 7 ज़ 49 पूरा कट हो जाएगा। अभी देखिए पूरी डिजिट सॉल्व नहीं हुई है, यहाँ देखिए पूरी डिजिट को सॉल्व करते थे, अभी 0 बचा है और 7 0 ज़ 0, उसकी नौबत ही नहीं आएगी, और लास्ट में डिवाइजर फिर क्या मिला, 7, तो SCF क्या मिलेगा हमको, 7। ओके, SCF हमको क्या मिल जाएगा, लास्ट वाला डिवाइजर क्या है, 7। ओके, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, 36 नंबर यहाँ नोट करते हैं, 36 180 and 270, 36 का 180 से डिवाइड कराएंगे, तो 36 4 ज़ 4 6 ज़ 24 2 4 3 ज़ 12 2 14 एंड 36 5 ज़ 5 6 ज़ 33 5 3 ज़ 15 5 3 ज़ 15 एंड 318 पूरा कट हो जाएगा 5 टाइम्स बेटा 180। ठीक है, और लास्ट में डिवाइजर क्या मिला, 36। अब 36 का किससे डिवाइड कराएंगे, 270 से। ठीक है, सो 270 से 36 इंटू 6 करा लेते हैं, 7 कराते हैं डायरेक्ट, 7 6 ज़ 42 4 7 3 ज़ 21 एंड 4 25
अभी भी जा रहा 36 into 8, 8 6 are 48, 4 8 3 are 24 एंड 4 28, ज़्यादा चला गया तो 7 times ही कट होगा और 252, और इधर से 8 हो जाएगा कैरी करके, 10 minus 2 8 16 minus 5 sorry 16 क्यों 6 minus 5 1 18 होगा, 18 का 36 के से डिवाइड कराएंगे, 18 2 are 36 और लास्ट में डिवाइजर क्या मिला 18, तो SCF क्या निकल के आ जाएगा बेटा 18, ओके। इस वॉलेस्ट नंबर का सेकंड हाईएस्ट नंबर से हमने क्या कराया, डिवाइड कराया, ठीक है, डिवाइड किया तो पूरा पूरा कट हो गया। अब जो लास्ट वाला डिवाइजर है अब उसको सबसे हाईएस्ट वाली डिजिट से सॉल्व करेंगे, डिवाइड कराएंगे तो 7 times 18 रिमाइंडर बचेगा, 18 का इस डिवाइजर से सॉल्व करा देंगे, डिविडेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर पूरा पूरा कट हो जाएगा और 18 हमारा क्या निकल के आ जाएगा SCF। तो 11 minutes से अबव वीडियो हो चुका है, सो बाय, टेक केयर बेटा। जो आपकी व्यूइंग है उसको स्टार्ट रखिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स पे यूट्यूब पे अपना नाम जरूर बेटा लिख दिया करिए तो अच्छा लगेगा मुझको देखने में, और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और अगर कुछ भी कमेंट आपको लगता है कि कुछ नहीं टॉपिक समझ में आया सर अच्छा पढ़ा रहे नहीं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।